अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद जाकिर है। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं जो है कल 3:30 बजे के टाइम पे लक्ष्मीनगर से रेती बोली जा रहा था। तकरीबन 15 लाइन पिलर नंबर के पास मुझे एक बैग रोड पर पड़ा हुआ दिखा, तो मैं इसको उठाकर उसको खोल के देखा। उसमें गोल्ड था, तो उसमें गोल्ड के साथ एक रसीद थी, एक आईडी थी। तो मैं एक रसीद के ऊपर फ़ोन नंबर था, उससे मैं कॉल किया, तो जिसका था उनको कॉल किया, उनको मिला। और जिसका गोल्ड था वो लंगोरस पीएस में जाकर वो लोग कंप्लेन भी कर चुके थे। फिर मैं जिसका था उनको फ़ोन किया, तो वो लोग ऐसा बोले तो लंगोरस पीएस के तहत उनके जिसका गोल्ड था उनके हाथ को ओनर को वो गोल्ड मिल गया, उनको दे दिए लंगोरस पीएस के ज़रिए। तो आप चाहे तो लेके भी जा सकते थे? नहीं, मैं चाह तो लेके जा सकता था, मगर खौफे खुदा है, ईमान का हक्का खाने का है, अपने को आखिरत अपनी बनाने का है। अभी दुनिया के लिए थोड़े दिन के लिए रख लूँगा मैं, फिर कब तक रहेंगे वो मेरे पास? आखिरत में जाके तो अपने को जवाब देना ही है खुदा के पास। बस मैं वही सोच के उनके हाथ को रिटर्न कर दिया। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। असल में मैं ऑटो ड्राइविंग 3 साल से कर रहा हूँ। मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम था, तो मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता था, उसमें मेरे को अस्थमा हो गया। अस्थमा होने से मैं काम छोड़ दे के ऑटो चला रहा हूँ 3 ईयर्स से। अब रनिंग तो फ़िलहाल ऑटो ही चला रहा हूँ। अस्थमा होने से मेरा जो मेरा प्रोफेशनल वर्क था उसको छोड़ देना पड़ा मेरे को। मेरे को 4 बच्चे है, 3 लड़के और 1 लड़की है। मिर्ज़ा सुल्तान बेग और उनकी बीवी दोनों गाड़ी पे आशम नगर से मेहदीपट्टनम जा रहे थे। उस बीच उनकी बीवी उनको एक गोल्ड चेन का बैग दी, वो सामने टैंक पे लगा लिए जा रहे, तो बीच में किधर के गिर गया। रेती बोली चोरस से जाने के बाद देख लिया कि बैग मिसिंग है। उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन आए, हमारा DI क्राइम स्टाफ पूरा जाके वीडियोज़ चेक करे। इस बीच में सैयद जाकिर बोल के एक आदमी वो लेडी को फ़ोन करा, क्योंकि वो बैग में उनका फ़ोन नंबर भी था और उनका एक फर्नीचर शॉप में जैसा फर्नीचर के उस पर नंबर था। वो नंबर को फ़ोन करे कि ये बैग मेरे को मिला बोल के उन्होंने ला के वापस करके दे दिया। कितना गोल्ड था? अराउंड 10 तोलास गोल्ड था।